Very good morning, dear students. Hi, I am Sanjay Roy. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, today we can discuss a very important name reaction. That reaction is called as Cannizzaro reaction. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत important reaction पढ़ने वाले हैं. The name of that reaction is Cannizzaro reaction. It is a extended form of aldol condensation जो हमने last तीन वीडियो में पढ़ा हुआ था aldol condensation, right? ये भी उसी का एक टाइप है, लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही एल्डिहाइड क्या दे सकता है, Cannizzaro रिएक्शन. तो यहां पे देखो, हमने पहले क्या देखा था, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन जिसके पास अल्फा, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, चार प्रोडक्ट, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास नहीं है, तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे थे, ऑन रिएक्शन इट कैन बी ओनली टू प्रोडक्ट. यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Cannizzaro रिएक्शन, यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे इफ यू सी द कंडीशन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वही एल्डिहाइड क्या करेंगे, Cannizzaro रिएक्शन देंगे. कंडीशन समझ में आया, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही एल्डिहाइड क्या देंगे, Cannizzaro रिएक्शन देंगे, बाकी एल्डिहाइड Cannizzaro रिएक्शन नहीं देगा. दूसरा, Cannizzaro रिएक्शन का नथिंग बट इट इज अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. मतलब यहां पे क्या होता है, आउट ऑफ टू मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड वन मॉलिक्यूल कैन अंडरगो रिडक्शन. एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सेकंड मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन. एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट. तो Cannizzaro रिएक्शन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड इट इज अ वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है. कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है, ठीक है. हमने 11th स्टैंडर्ड पे देखा था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और उसका एक टाइप में ये टाइप आता है तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब जब भी हम लोग Cannizzaro रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, एक क्या होता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सेकंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, अल्कोहल, क्या होता है, अल्कोहल, राइट. तो अल्कोहल कब होगा, जब ये कौन सा रिएक्शन करेगा, रिडक्शन रिएक्शन, राइट. सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कब फॉर्म होगा, जब वो रिएक्शन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है. या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, ऑलवेज रिमेंबर इट ऑलवेज यूज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने देखा था Cannizzaro रिएक्शन में क्या होता है, सर, तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी रिडक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल, राइट. तो दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो हम लोग एक रिएक्शन भी इसका देख लेते हैं. अब कौन कौन से एल्डिहाइड देंगे, कभी कभी डायरेक्टली पूछता है कि अमाउंट दिस विच एल्डिहाइड कैन गिव Cannizzaro रिएक्शन, तो तुम आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कौन सा एग्जाम्पल है, यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है. अब फॉर्माल्डिहाइड, अब इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये क्या देगा, Cannizzaro रिएक्शन. वी जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ बेंजाल्डिहाइड, consist of changing C double bond OH, right. तो ये भी इसका एग्जाम्पल है. अब देखो ये जो कार्बन है, इस ये अल्फा कार्बन है, बराबर, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, इसकी वैलेंस देखो 1 2 3 4, चार वैलेंस है इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज बेंजा अल्डिहाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्डिहाइड. तो अगर हम लोग इसको ऐसा लेते हैं, CH3N CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी मॉलिक्यूल क्या देगा, हमको पॉजिटिव Cannizzaro रिएक्शन देगा, बिकॉज यहां पे भी क्या रहेगा, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है. तो जनरली हम लोग ये दो एग्जाम्पल, बेसिकली हम लोग बहुत ज्यादा एक दो एग्जाम्पल मिलेंगे, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड एंड
बेंजीन आइडिया फॉर दिस रिएक्शन। तो इतना तुमको बेसिक चीजें पता रहना चाहिए, दिस आर द बेसिक पॉइंट टू रिमेंबर द कैनिजरो रिएक्शन। सो कैनिजरो रिएक्शन कैन बी गिवन बाय दोस अल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच डज नॉट हैव एनी फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड इट्स अ वन टाइप ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वेयर वन स्पीसीज कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनदर स्पीसीज कैन अंडरगो रिडक्शन एंड फॉर्म अल्कोहल। रिडक्शन करके क्या देगा, अल्कोहल देगा, और एक स्पीसीज क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, एग्जांपल इसमें मेन जो एग्जांपल हमको पढ़ना है ये क्या रहता है, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल्स क्या लेते हैं हम लोग, बेंजाइड। तो दिस टू एग्जांपल्स कैन यू जनरली वी कैन स्टडी इन कैनिजरो रिएक्शन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एज वेल एज द रिएक्शन इसके क्या होंगे, वो चीज हम लोगों को देखना है। राइट, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यू जस्ट नोट डाउन इट। नाउ जस्ट टेक एग्जांपल वेयर वी जस्ट टेक अ फॉर्मल्डिहाइड। हमने पहला एग्जांपल लिया है, यहां पे रिएक्टेंट क्या लेंगे हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब फॉर्मल्डिहाइड कैनिजरो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज़ इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये फॉर्मल्डिहाइड का सल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो हमने देखा था कैनिजरो रिएक्शन इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पे दो अल्डिहाइड यूज करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं। राइट, अब ये जो तुम्हारा एक अल्डिहाइड वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। मान लो ये अल्डिहाइड क्या करता, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सपोज दिस अल्डिहाइड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट कैन फॉर्म प्रोडक्ट H C double bond O minus and plus plus this molecule undergo reduction. Reduction करेगा तो क्या form होता है? It can be form CH3OH. तो ये क्या form हुआ है? Alcohol. ठीक है? यहाँ पे क्या form हुआ है? Alcohol. और यहाँ पे क्या form हुआ है? Salt of तो इसका जब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तब अपने नेचर क्लियर होगा। तो सपोज वी जस्ट टेक द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इफ यू नो द मैकेनिज्म यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शन वेरी इजीली। सो इफ यू सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, अगर हम इसको मैकेनिज्म देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने अल्डोल कंडेंसेशन में देखा था, हियर आल्सो बेस आर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो सपोज हम लोग वी जस्ट टेक द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड, ये तुम्हारा पहला मॉलिक्यूल। दोनों अल्डिहाइड सेम है तो वी कैन चूज एनी वन अल्डिहाइड व्हेन इट रिएक्टेड विद बेस। सपोज वी जस्ट टेक द OH माइनस और इसको हम लोग अगर हीट करेंगे प्लस करके, नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ OH माइनस, NaOH इज द सोर्स। नाउ दिस OH माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्या एक्ट होगा यहां पे, न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। तो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप वेयर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। So this nucleophile that is OH minus can attack on carbon, this bond will be shifted towards the oxygen. Right? Now what we get after this reaction? So we get HCO minus here, OH here, H. Right? Because OH minus here, OH minus act as a nucleophile, remember. But in aldol condensation, this OH minus act as a base, as a reference key, because in aldol condensation, this OH minus can take H plus ion, that is proton, and the species which can take H plus ion is called as, जो H plus ion को लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वहाँ पे, base को बोलते हैं, जो electron deficient carbon पे attack करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, nucleophile। ये हो गया तुम्हारा first step, याद है, clear one, because no alpha atom, that's why OH minus attack on electron deficient carbon. Now, this act as a anion. This act as an anion because oxygen pe kya charge hai, negative charge hai, so it can act as an anion. This anion can act on the second aldehyde molecule. Anion is packed over jo hum second first humne yahan pe le liya, just second. Now here what happened, this OH minus are shifted over here, negative charge yahan pe shift ho jayega. Ab yahan se carbon se kya hoga, ek hydride ion kya hota hai bahar jata hai, kya bahar jata hai, here
इट कैन रिमूव वन हाइड्राइड आयन. हाइड्राइड आयन मतलब क्या होता है, एच जब इलेक्ट्रॉन पेयर को निकलेगा तो क्या निकलेगा, एच माइनस निकलेगा. ठीक है, अभी हाइड्राइड आयन जब निकला, दिस हाइड्राइड आयन कैन अटैक ऑन दिस कार्बन. ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा. राइट, नाउ इस स्टेप के बाद हमको क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट आफ्टर दिस स्टेप. सो अगर पहला प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं तो यहां पे क्या मिल रहा है, एच. राइट, अब यहां पे क्या मिल रहा है, सी. कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लिख लो, सी डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, ये हाइड्राइड निकल गया, मतलब कार्बन को क्या अटैच है, OH अटैच. ठीक है, प्लस यहां पे क्या मिलेगा, अब ये हाइड्रोजन यहां पे अटैक किया, मतलब इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन पहले से थे, दिस कार्बन अटैक अनदर हाइड्रोजन, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3 और यहां पे क्या हो जाएगा, O माइनस. क्या हो जाएगा, CH3 और O माइनस हो जाएगा. राइट, बट यहां पे अभी अल्कोहल पूरा नहीं होता, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कैन बी कैरीड आउट इन बेसिक मीडियम. ठीक है, और हमने देखा है देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. तो यहां पे एसिड तैयार हुआ, यहां पे बेस है, दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म सॉल्ट. तो यहां पे क्या होता है, दिस OH माइनस CH3O माइनस OH नॉट OH, इट कैन टेक H+ आयन ले लेगा. तो यहां पे बचेगा क्या, HC डबल बॉन्ड O माइनस बचेगा, क्योंकि H+ आयन को लेके जाएगा. तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं OH H can take H plus and this bond will be shifted over here and this O minus will be stable karega Na plus. Plus, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, then CH3OH. So this is nothing but alcohol and this is nothing but salt of formic acid. Right. So this is the reaction with the mechanism. ये होता है एक्चुअल रिएक्शन जो हमने मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन किया. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनिज़ल रिएक्शन, और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. वी जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं. वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन हियर, हियर सी डबल बॉन्ड OH. वी जस्ट टेक टू मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन हियर. When these two molecules of benzaldehyde reacted with NaOH, how much percent? 50% NaOH, 18. It can form two products. First one is C double bond O Na, O minus Na plus, plus here CH2OH. Right. So it is called as sodium salt of carboxylic acid and it is called as benzyl alcohol. So क्या बोलते हैं, benzyl alcohol, right? तो this is the reaction. ये second example के लिए. अगर हम लोग इसमें भी mechanism दे सकते, if you see the mechanism of this reaction, तो यहाँ पे भी क्या होगा, same. Mechanism में changes नहीं है, mechanism are always same. So just like this mechanism here also, first we just take the benzaldehyde. हम लोग पहला molecule क्या लेंगे, benzaldehyde, C double bond OH. Here OH minus can attack over here. Same mechanism, compare करो, OH minus इस carbon पे attack करेगा, this bond will be shifted over here. Ring as it is present here, C O minus H here OH, right? It reacted with second molecule of benzaldehyde. इसके साथ react करेगा, क्या react with second molecule of benzaldehyde? So what happened here? Same and step, just remember this negative charge will shifted on here. Here it can remove H minus. This H minus can attack on this carbon. This one will be shifted over here, right? Now after this, what we get? We get ring having C double bond OH, C double bond OH plus here it can give CH2O minus. Right. Now we know that the reaction carried out in basic medium. So reaction किसके presence में हो रहा है, NaOH के presence में हो रहा है. What happened there? This OH minus O minus can take H plus and it can form two product.
ये C डबल बॉन्ड O N A एंड प्लस हियर इट कैन फॉर्म CH2OH. Right? I hope you can see the both the reaction notes. It's not visible. So I am writing the second product here. CH2OH. Right. So this is salt of acid and it is called as alcohol. So this is the mechanism. Mechanism are exactly same. Mechanism mein koi bhi difference nahi. Mechanism are exactly same. The first mechanism only difference is that where we can use the formaldehyde, where we can use the benzaldehyde, right? So I hope you can understand the mechanism with reaction. So this is all regarding the cannizzaro reaction. But जो भी चीज हमने यहाँ पे देखा हुआ है, this cannizzaro reaction जो भी हम लोग देख रहे हैं, this is the example of self cannizzaro reaction. ये दोनों example कौन से? इसकी example है self cannizzaro reaction. Why it is called self cannizzaro reaction? Because यहाँ पे जो भी हमने क्या use किया हुआ है, where both the aldehyde we can use are same. Here both the benzaldehyde we can use are same. यहाँ benzaldehyde दोनों में benzaldehyde क्या है? Where we can use in this case we can use two molecule of formaldehyde. Both the formaldehyde are same and here both the benzaldehyde. That's why this reaction is called as self-cannizzaro reaction. Self means what? Here only we can say that we take only one type of aldehyde, right? That's why it is called as self-cannizzaro. तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग मैं अपलोड करूंगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, हम लोग उसको स्प्लिट करके पढ़ रहे हैं, सेल्फ कैनिजरो क्या होगा और क्रॉस कैनिजरो क्या होगा. ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो भी हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सेल्फ कैनिजरो रिएक्शन एज वेल एज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजरो रिएक्शन, राइट? तो इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी प्लीज फील फ्री टू आस्क मी और कॉल मी, राइट? यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ you just note down it. So today we can discuss only that much. Next video में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन. So if you like my video, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry, and also share with your friends. Thank you and have a nice day.